2022 में कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया नहीं कर पाए, क्योंकि रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपसे चिढ़ने वाले भी हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो आपकी तरक्की से जलता है वो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करा के आपको बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि आप कहेंगे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तो लेकिन हमारा उद्देश्य है आपको प्रोटेक्ट करना, और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हम आपको ये वीडियो बनाकर जानकारी दे रहे हैं। आप इसको अपनाएं तो अच्छा रहेगा। अगर आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, लेकिन ये वीडियो आपके बहुत काम का है, बहुत आपको लाभ पहुंचाने वाला है और आपको तांत्रिक क्रिया से मुक्ति दिलाने वाला है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उमाश्री, मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ यंत्र मंत्र तंत्र ज्योतिष वास्तु अंक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी सॉरी तंत्र मंत्र से संबंधित, जीवन दर्शन से संबंधित, धर्म कर्म से संबंधित ऐसे ही वीडियो मैं बनाती हूँ जो आपको बहुत पसंद आते हैं। आप उनको आत्मसात करते हैं जीवन में और कमेंट सेक्शन में आके बताते हैं कि दीदी आपके इस उपाय से हमको बहुत लाभ हुआ, तो मुझे अच्छा लगता है जानकर। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहे, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ होती है। मेरा नाम है डॉक्टर उमाश्री, मैं 23-24 साल से ज्योतिष पर काम कर रही हूँ और बहुत लोगों को लाभान्वित कर चुकी हूँ। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत संपर्क करिए, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के जरिए हमसे संपर्क करना पड़ता है। तो मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे ऐसी ही बेहतरीन जानकारी आपको भविष्य में प्राप्त होती रहे और आप लाभ की अनुभूति करते रहें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं तांत्रिक क्रिया कैसे असर करती है। तांत्रिक क्रिया जिस व्यक्ति पर होती है उसको उनिंदापन छाया रहता है, अक्सर वो जगता तो रहता है लेकिन देखने वालों को लगता है कि इसको नींद आ रही है, नींद के झोंके हैं उसको आ रहे हैं, फ्रेशनेस फील नहीं होता जिस पर तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं। अगर आप गाय को कोई चारा वगैरह डालते हैं और आप ये टेस्टिंग का तरीका है, गाय उसको सूंघ कर चली जाती है और आपके अड़ोसी पड़ोसी का खा लेती है लेकिन आपका नहीं खाती, स्पेशली पालक या ग्रीन वेजिटेबल्स, तो आपको समझना चाहिए आप तांत्रिक क्रिया के प्रभाव में हैं और उसको तुरंत दूर करना अनिवार्य है। आपके जीवन में आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, ये भी इंडिकेशन है सांस में भारीपन, जबकि आपको कोई बीमारी नहीं है ऐसी, लेकिन फिर भी आपको श्वास संबंधी दिक्कत आती है, तो आपको समझना चाहिए कि तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर ज़बरदस्त प्रभावी है और आपको बहुत ज़्यादा फालतू इफ़ेक्ट कर रही है, तो आपको इनसे बचने के उपाय समझने चाहिए। इसके अलावा चौराहे को लांगना या किसी ने खिला पिला दिया, सफ़ेद चीज़ आपने किसी के घर खा ली, स्पेशली आगरे का पेठा, जो पेठा होता है बहुत शुगरी होता है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इसको खा के अगर आपने पानी नहीं पिया है और आप हवा में चले गए, बाहर चले गए, तो आपको तांत्रिक क्रिया आप पर या ऊपरी बाधा आप पर इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आपको इनसे संबंधित समस्या का सॉल्यूशन जानना अनिवार्य होता है। तो आज के वीडियो में इसी पर केंद्रित है, आपके शरीर का कौन सा अंग इनसे प्रभावित होता है ये मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, और आपको जानना चाहिए कि तांत्रिक क्रिया आपके किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। स्पेशली आपका जो मेंटल लेवल होता है वो लो हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति ऐसे लोगों की क्षीण हो जाती है और उसको दबाव देना पड़ता है दिमाग पर और उसको नहीं सुझाई देता कुछ भी। कई तरह की बीमारियां भी ऐसे इंसान को घेर लेती हैं जिसका कहीं ऐसे कहा जाता है ना, उसका पैर पड़ गया यहाँ पर, गलत चीज़ पर पैर पड़ गया, तो ये इंडिकेशन होता है कि किसी ने आप पर तांत्रिक प्रयोग किया था, आपको बर्बाद करने की कोशिश की थी। और ऐसे प्रयोग जो है अमावस्या के दिन बहुतायत से करे जाते हैं, तो आपको अमावस के दिन बहुत बच के रहना चाहिए। नवरात्रों में ऐसी क्रियाएँ की जाती हैं, दशहरे के दिन ऐसी क्रियाएँ की जाती हैं, होली के दिन ऐसी क्रियाएं की जाती हैं, और शनिवार के दिन ऐसी क्रियाएं की जाती हैं, संडे के दिन ऐसी क्रियाएं की जाती हैं, मंगलवार के दिन शत्रु से बदला लेने के लिए कुछ क्रियाएं की जाती हैं। तो आपको इन सब समूचे जो दृष्टिकोण है इस पर विचार करना चाहिए और इन दिनों में आपको सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए अगर आपके गण कमज़ोर हैं तो। जिसके गण कमज़ोर होते हैं उसी पर ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है। सूर्य चंद्रमा जिसके पीड़ित होते हैं वो भी इन चीज़ों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाता है, तांत्रिक क्रिया उसके ऊपर बहुतायत से होती हैं, तो इन सब से आपको बचना चाहिए। और आपका शरीर का जो स्पेशली जो हृदय की धड़कन है उस पर भी तांत्रिक क्रिया की जाती है, और
हृदय की धड़कन और हृदय पर भी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और शत्रु को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। तो आपका जो ब्रेन है या आपका शरीर का कोई भी पार्ट हो वो प्रभाव में आ जाता है तांत्रिक क्रियाओं की। संपूर्ण शरीर पर भी प्रभावी होती हैं ये क्रियाएं और शत्रु से संबंध में कई कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जो गंदी होती है, लेकिन उनका भी प्रयोग लोग करते हैं। तो आपको चाहिए कि इन सब चीज़ों का आपको नकारात्मक चीज़ों का आप बच के रहें ऐसी चीज़ों से, और आप पर इफ़ेक्ट नहीं कर पाए इसका बंदोबस्त आप कर लीजिए। तो आपके घर में कोई भी जो कपूर की जोत है उसको आपको जलाना चाहिए। कपूर की जोत से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। नमक का प्रयोग करें आप, नमक को भी बर्न करा जाता है, इसका प्रयोग मैं बता चुकी हूँ पहले, और उसको रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अपना ऑरा क्लीन करिए, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। मेडिटेशन होती है, इसके थ्रू आपको सारे चक्रों को क्लीन करना पड़ता है और आपको शुरुआत करनी पड़ती है अपने सिर से, क्योंकि जो सिर के ज़रिए ही सारी क्रियाएं होती हैं, और आपको सिर से लेके और सारे सातों चक्रों को क्लीन करना है। तो नमक के पानी से स्नान करना बहुत इफ़ेक्टिव होता है। नमक के पानी से स्नान करके आप सादा पानी से स्नान करें और नमक की मात्रा बहुत थोड़ी सी लेवें, ज़्यादा नमक नहीं लेना है, थोड़ी सी भी मात्रा आपके लिए पर्याप्त है। तो नमक के पानी से स्नान करके और सादा पानी से स्नान करिए, और जो नमक का पानी बच गया है उसको टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए और सादा पानी भी फ्लश कर दीजिए। और आपको स्नान करना है और आपको उसके बाद ये प्रक्रिया अपनानी है कि वाइट कलर की जो रोशनी है आपके सिर में प्रवेश कर रही है, साइड से प्रवेश कर रही है, सीधा सिर के बीच में नहीं लेना है एनर्जी को, साइड से लेना है और साइड से प्रवेश कर रही है और आपके सारे चक्रों को क्लीन कर रही है। ऐसे मेडिटेशन आपको करनी है और ऐसा करने से आपको सभी तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति मिलेगी। और आपके घर में सफाई का अभाव है, गंदगी रहती है, नेगेटिव विचार आपके मन में आते हैं, तो आपको चाहिए कि आपके घर में सफाई अनिवार्य रूप से करें। जूठे बर्तन नहीं रहने चाहिए किचन में, कपड़े फैले हुए नहीं रहने चाहिए। इन चीज़ों का आपके दुर्भाग्य पनपता है इन चीज़ों से, और आपकी ज़िंदगी में तांत्रिक प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होते रहते हैं। तो इनके से बचने के लिए आपको अभिमंत्रित कीले भी आती हैं, अभिमंत्रित कीले भी आप यूज़ में ले सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर लगाएं अभिमंत्रित कील, और आपको हर कमरे में अभिमंत्रित कील लगानी चाहिए। आपके घर में धार्मिक आयोजन बहुतायत से होने चाहिए। जब कभी आपको मौका मिले तो सुंदरकांड जी के पाठ कराएं, रामायण जी के पाठ कराएं, श्रीमद् भगवद गीता जी के पाठ कराएं। ऐसा करने से एक स्पिरिचुअल माहौल आपके घर का बनता है और आपको हर बाधा से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा घर में नाम जप का आप प्रयोग करें, गायत्री मंत्र जपें, गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र का जाप भी सभी नेगेटिव क्रियाओं को दूर करने वाला होता है। जो गायत्री मंत्र का जाप करता है उस पे सभी तांत्रिक क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं और उसका कोई भी बुरा नहीं कर पाता है। तो ये इफ़ेक्टिव रेमेडी मैंने आज आपको बताई। इसके अलावा सफ़ेद चीज़ खाकर कभी भी बिना पानी पिए बाहर ना जाएं, अगर आपके गण कमज़ोर है तो। सूर्य देव का व्रत करें, रविवार का नमक ना खाएं और सूर्य देव को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और आपका जो सूर्य जिसका बलि होता है उस पर सभी तांत्रिक क्रियाएँ निष्फल होती हैं। तो ये आप अवश्य करके देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज का वीडियो आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना, ऐसी जानकारी सबसे शेयर करनी चाहिए, और कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आप और मेरे द्वारा किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं जो मैं आपके लिए निर्मित करूं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।